करो, सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। कहता है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक आर का एक 5 ओम का है। तो कहता है कि पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 30 वाट। पूरे सर्किट में पावर 30 वाट का है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है यार। चलो, तो पूरे सर्किट के लिए अगर पावर अगर देखोगे, पावर इज इक्वल टू तो वी स्क्वायर ओवर आर होता है। पूरे सर्किट पे लगाओ तो पूरे सर्किट का पावर कितना है बोलो, 30 वाट। और पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, 10 × 10। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये यहाँ से हमारा सलूशन मिल जाएगा लॉजिक। तो पूरे सर्किट के लिए ये वाला जो फार्मूला है, किसी एक एलिमेंट के लिए भी लगा सकते हो, पूरे सर्किट के लिए भी लगा सकते हो। तो पूरे सर्किट के लिए लगाया मैं, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का आर नेट बोलो, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों आपस में, ये आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 5R और डिवाइडेड बाई 5+R। ये तो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो 30 = 100, और यहाँ से आ जाएगा 5R और ये ऊपर चला जाएगा 5+R बच्चों, ठीक है, बराबर है प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा 150R और इधर आएगा 500 और प्लस 100R, ठीक है। तो फाइनली 100R 100, दैट इज 50R, दैट इज इक्वल टू 500। तो R की वैल्यू आ जाएगी, 0 ने 0 को खत्म कर दिया और 1 मतलब 10 ओम। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होगा ये वाला, वो 10 ओम के इक्वल होगा, तभी जाके 30 वाट का पावर कंज्यूम होगा सर्किट में। अगर कुछ और होगा तो 30 वाट नहीं होगी।